نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول من أنفسكم هر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات واسطے ہے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا ہے
बेशुमार ला तादाद दुरूद सलाम आकाए कायनात सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमाम कायनात इमामुल मुरसलीन सैयदना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दी जाते अक्दसो अतहरो आला और बालावास्ते हजरत जीवकार रबीउल अव्वल दा महीना जिसका आगाज हो चुका है, इस महीने दे अंदर नबी आली सलातो सलाम दुनिया ते तशरीफ लाए, आप दी आमद हुई। हजरात जी वकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दे आन तो पहला मक्के वालियां दा किस तरह दा अपनी जिंदगी गुजार रहे सन, कोई बुतां दी पूजा कर रहे है, जुलम सितम दी इंतहा हो चुकी सी, तो इस तरह के मुआशरे अंदर नबी अली सलातो सलाम पैदा हुए। आप दे आन तो बाद मुआशरे अंदर बहार आई, एक रौनक आई, जिहड़े एक दूसरे से जुलम ज्यादती करते सन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आन तो बाद एक दूसरे की इज्जत दे रखवाले बन गए, जिहड़े बुतां दी पूजा करते सन, लात मनात उज्जा दी इबादत करते सन, वो सारे खुदावां नूं छोड़ करके एक अल्लाह दे सामने सर झुकाने वाले बन गए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आन तो पहला मुआशरा इस तरह गै गुजरा सी के लोग जिन्हां घर औलाद पैदा हो जाती, बेटा पैदा होंदा, बड़ियां दावतां बड़ियां खुशियां कर दे, अगर बेटी पैदा हो जाती तो इन्हां दे सर नूं दर्द शुरू हो जाती कि बेटी क्यों पैदा हो गई। और जिस घर बेटी पैदा हो जाती, बेटी का बाप अपनी नजरां लोगों तो झुका झुका के चलता, हत्ता के जुलम सितम इस कदर ज्यादा सी के लोग अपने दिल दे गोशियां नूं, अपने दिल दे टुकड़ियां नूं, अपनियां बेटियां नूं अपने ही हत्थां दे नाल जिंदा दफन करके आ जांदे। इस तरह के हालात जदों मेरे महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ लैके आए, आपने अल्लाह का हक भी दसिया और अल्लाह की मखलूक का हक भी दसिया कि अल्लाह का हक क्या है और अल्लाह की मखलूक का हक क्या है। अल्लाह का हक है कि अल्लाह की इबादत की जाए, अल्लाह के नाल किसी और नु शरीक ना किया जाए, और मखलूक का हक है
भाई भाई दा हक अदा करे, भाई बहन दा हक अदा करे, बहन अपने भाई दा हक, बेगम अपने खावन दा हक अदा करे, खावन अपनी बेगम दा हक अदा करे, रिश्तेदार रिश्तेदारां दे हकूक अदा करन, महल्लेदार अपने हमसायां दे हक अदा करन। हत्ता के नबी पाक ने इस तरह की तरबियत की, आपने सरां दे हकूक दसे। जो मेरे महबूब अलैहि सलातो वसलाम मदीना तशरीफ लैके आए ना, सहाबा अपना सारा माल छोड़ के मक्के अंदर आ गए, मदीने अंदर आए, तो नबी पाक ने एक सहाबी नू दूसरे सहाबी का भाई बना दिता। क्या बात है, खामोशी। एक दूसरे का भाई बनाया कि ऐ तेरा भाई है, ऐ तेरा भाई है, ऐ तेरा भाई है। और बाद सहाबा इकराम ने भाई भाई की मिसाल कायम कीतियां। की आंदा है, एक भाई कहंदा भाई तू मक्के चो आया है, तेरे को कुछ भी नहीं, ना घर ना माल, मेनू रब ने दो बाग दिते ने, मेरा तेन नबी बाग ने भरा बनाया, जा मैं तेन एक बाग देना, तू दी रखवाली कर, उनका ध्यान कर, रब तेन रिजक अदा करे। इस तरह ने भरा सन, नबी पाक ने इस तरह का मुआशरा बनाया। दुश्मन भरा बन गए, जानी दुश्मन जान निसार करने वास्ते तैयार हो गए। आइए तवज्जो कीजिए, इत नबी पाक दे आन तो बाद आप दी शान बड़ी है, आप दा मुकाम बड़ा है। मैं चंद मिनट तुहानू नबी पाक ये दुनिया ते आए नहीं, अल्लाह ने पहले नबी पाक दी शान दे तज़करे कीते ने, अल्लाह ने महबूब दी शाना पहले बयान कीतियां ने। तवज्जो करना, मेरी दुआ है मैं जो कुछ बयान करा अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। मेरे आतुसान पिरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद आका दा नाम आए दुरूद मोहब्बत नाल प्यार नाल पढ़िया कर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। मेरे पैगंबर दे सीने पाक ते नाज़िल होन वाला अल्लाह दा कुरान बयान कर दे, फरमाया वाइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। अल्लाह ताला ने आलमे अरबा दे अंदर हर नबी नू जमा फरमाया, अल्लाह ताला ने आलमे अरबा दे अंदर हजरत आदम अली सलातु वसलाम दी रूह नू भी जमा फरमाया, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह नू भी बुलाया, हजरत नू पैगंबर नू भी, हजरत ईसा पैगंबर, हजरत मूसा पैगंबर, हजरत यूसुफ पैगंबर, हल गरज हर नबी नू अल्लाह ताला ने आलमे अरबा दे अंदर जमा फरमाया। अल्लाह ताला फरमांदे ने ऐ आदम हां आ रब्बे कायनात की आडरे, आदम आ गए हां रब्बा मैं आ गया, ऐ नू पैगंबर आ गया हां रब्बा मैं आ गया की आडरे। कायनात दा रब कहंदा है ऐ मेरे नबियों मैं तुहानू सारिआं नू नबी बना के भेजना है, मैं तुहानू सारिआं नू रसूल बना के भेजना है, किसे नू मैं किताबां दा करनी है, किसे नू मैं सहीफे अदा करने। अल्लाह जी की आडर साडे वास्ते, ऐ आदम सुन ले, ऐ मूसा ते ईसा पैगंबर सुन लाओ, तुहाडी मौजूदगी दे अंदर एक मेरा नबी आमना दलाल आ जाए, एक मेरा आखरी नबी जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आण। अल्लाह साडे वास्ते की आडर है, साडे वास्ते की हुकामे, ऐ मेरे नबियों तुहाडे वास्ते आडर है,
तुआडी नबूवत चलती होए, तुआडी नबूवत दा सिक्का चलदा होए, तुआडी नबूवत दी रिसालत चलदी होए, जदो मेरा आमना दलाल पैगंबर आ जाए, तुसी अपनियां नबूवतां बंद करके मेरे नबी दे ताबेदार बन जाना है, मेरे नबी दे हूं बदार बन जाना है। अगर कोई नबी मेरे नबी दे आन तो बाद अपनियां नबूवतां चलाएगा, अगर कोई पैगंबर मेरे पैगंबर दे आन तो बाद अपनी रिसालत मनेगा, अपना अपना कलमा चलाएगा, नबी पाक दे ताबेदार नहीं बनेगा। कायनात दा रब कहिंदा है मैं ऐसे नबी नूं नबियां दी सफ जो कल के बुरे बंदियां च शामिल कर देंगा। हजरात ते जिम्मेदार पता चलिया नबी पाप दा मुकाम बड़ा है, कोई नबी भी नबी पाप दी शाम दा मुकाबला नहीं कर सकता, कोई नबी भी मेरे पैगंबर दी अजमत दा मुकाबला नहीं कर सकता। यारो एक मैं गल प्यार ना करना जाना, कई मेरे भाई ना कई उलमा कराम कहंदे ने फला जड़ी जमात है ना वो नबी पाक नूं ते अपने भरा जैसा समझदे ने, ना ना सुनिया ते नबी पाक नूं अपने भरा जैसा समझे, उस बंदे दा ते ईमान ही पूरा कोई नहीं। परात दूर दी गल है मेरा नबी इतनी शान वाला है, कोई नबी भी मुकाबला नहीं कर सकता, कोई रसूल भी मुकाबला नहीं कर सकता। हजरत दे सिवा का एक और गल समझिया जिना, गुस्सा नहीं करना मेरी गलां दा, अगर एक बंदा कवे ना भाई जी ए मौलवी साहब दा फतवा है, ए मौलवी साहब दा फतवा है, ए साडे लामा दा फतवा है, ए साडे मुफ्ती दा फतवा है, और एक बंदा कवे यार मैं ते नबी पाक दी हदीस दसदा पिया, मैं नबी पाक दी गल दसदा पिया, एक बंदा कहे मैं तेनू मौलवी दी गल दसना, एक बंदा कवे मैं तेनू नबी पाक दी गल कहिंदा पिया, यार मौलवी दी गल ठुकरा देनी है ते नबी पाक दी गल नू मन लेना है। अल्लाह अकबर, जिते नबी पाक दी गल आवे उते नबियां दी गल नहीं चलदी, मौलवियां दी गल किवें चलेगी, मुफ्तियां दी गल किवें चलेगी, लामा दी गल किवें चलेगी, ना 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 किसे दी कोई गल नहीं चल सकदी। हजरात दे दीवाकार नबी पाक ये आए नहीं, अल्लाह ताला नबी पाक दी शान दे तज़करे अल्लाह ताला आलमी अरबाब दे अंदर कर रहा है, हुन नबी पाक ना दुनिया ते तशरीफ लेके आए। अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो करना, तारीख दियां किताबां अंदर मौजूद है, नबी पाक संवाद दे दिन पैदा होए ने, नबी पाक संवाद दे दिन दुनिया ते तशरीफ लै करके आए ना, और गाय मामला की है नबी पाक तशरीफ लै करके आए, आप दा बाप अब्दुल्ला दुनिया फानी नूं छड करके तुर गया, नबी पाक दे पैदा तो पहले आप दा बाप दुनिया छाड़ के टुर गए ने, नबी पाक यतीम पैदा होए। अल्लाह अकबर, हजरत आमना ने पैगाम भेजिया, हजरत आमना ने जज़ाक अल्लाह, हजरत आमना ने पैगाम भेजिया, जाओ ना सरदार अब्दुल मुतलब नु पैगाम दे के आओ ना, आओ ना, अल्लाह ने एक सोना बेटा दिता है, अल्लाह ने सानू पोतरा अता कीता है, आके अपने पोतरे दियां ज़ियारतां कर लाओ, आके अपने पोतरे नाल प्यार कर लाओ, क्यों इंदा बाप ते जिंदा ही कोई नहीं, इंदा बाप ते अब्दुल्ला फौत हो गया, अज बाप जिंदा हुंदा, बाप प्यार करदा अपने बेटे नाल, बाप मुहब्बतां करदा, बाप खुशियां करदा, सरदार अब्दुल मुतलब जी अज बाप ते जिंदा कोई नहीं, तुसी दादा मौजूद हो, आओ ना अपने पुत्र दियां ज़ियारतां कर लाओ। हजरत सरदार अब्दुल मुतलब चलदियां चलदियां घर पहुंचे ने ते अपने सोने लाल नूं वेख्या, नबी पाक दियां ज़ियारतां कीतियां, बेटा ते बड़ा सोना है, मेरा बेटा ते बड़ा
प्यारा है ना इंज काबातुल्ला चला गया जा करके काबातुल्ला जना दुआवां भी कीतियां नबी पाक वास्ते जिंदगी दियां दुआवां कीतियां खुशियां दियां दुआवां कीतियां अज बाप जिंदा हुंदा अपने पुत्तर नूं वेख के पता नहीं किन्ना खुश हुंदा अल्लाह ने मैनूं बेटा अता फरमाया दादा खुशियां कर रिहा है नारे लान करदा है ओए मक्के ते चौधरियों क्योंकि सरदार अब्दुल मुतलब भी चौधरी बंदा सी ना नारे लान करदे ने ओए मक्के ते चौधरियों आओ ना आओ अज मेरे पुत्तर दियां ज़ियारतां भी कर लो ते नाल मेरे पुत्तर दियां दावतां भी खा जाओ ना मैं अपने पुत्तर दियां दावतां कीतियां ने चौधरी आए नंबरदार आए वड़े वडेरे आए ना आके बैठे ने ते सरदार अब्दुल मुतलब नु गल कर दे सरदार जी जिस बच्चे दियां दावतां कर रहे हां उस बच्चे दा नाम की रखिया जे उस बेटे दा नाम की रखिया है सरदार अब्दुल मुतलब कहंदे ने ओए मक्के वाले आओ जिनू जेड़ा रब ने मैनू बेटा दिता है मैं उस बेटे दा नाम रखिया ते मुहम्मद रखिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नाम सुनिया ना नाम मुहम्मद पहले कदे इंदा नाम सुने ही नहीं इंदा नाम सुनिया देखे देखे नहीं ना सुनिया कहंदे सरदार अब्दुल मुतलब नाम ते बड़ा अजीब रख लिया ही अजोखा जा नाम रखिया ही इंदा नाम रखिया इंदे बाबे दे नाल मिलदा जुलदा इंदा नाम रखें दे चाचे दे नाल मिलदा जुलदा जिवें साडा रवाज है मौलवी साहब इंदे बाप दा नाम है इंदे बाप नाल मिलदा जुलदा कोई नाम दसो ना इंदे चाचे दे नाम नाल मिलदा जुलदा नाम रखो कई भाई इंज करके भी आंदे ने मौलवी साहब नाम इंज दा दसो के अज तक किसे दा नाम ना होवे आज तक किसे दा नाम ना होवे साडे कोई नाम पूछन आए ना ऐसी कहने आ अगर बेटा पैदा होया उंदा नाम अब्दुल्ला रख लेना अब्दुल रहमान रख ले अल्लाह दे नाम तो नाम रख ले नबी पाक दे नाम तो नाम रख ले सहाबा दे नाम तो नाम रख ले अल्लाह अगर बेटी पैदा हो गई है नबी पाक दियां बेटियां तो नाम लेके नाम रख ले नबी पाक दी सहाबिया तो नाम लेके नाम रख ले ते कई मेरिया भेणा कहंदियां नाना मौलवी साहब इंज दा नाम दसो के कोई इंज दा नाम अज तक मैं सुनिया ही कोई ना होए मक्के वाले ने जो सुनिया कहंदे ने अब सरदार अब्दुल मुतलब नाम ते बड़ा नोखा ते अजीब रख लिया है सरदार अब्दुल मुतलब कहंदे ने ओ परेशान ना हो मैं नाम क्यों ना अनोखा रखा मैं नाम क्यों ना सारे जग तो अलग रखा क्योंकि रब ने जो मेनू बेटा दिता है वो भी सारे जग तो आला अता कीता है अल्लाह अकबर अल्लाह तांत में आख्या करना किड्डा सोना नाम मुहम्मद दा इस नाम दिया रीसां कौन करे कहो सुभान अल्लाह कहो सुभान अल्लाह नबी पाक दा तज़किरा हो रहा है रबीउल अव्वल दा महीना शुरू हो गया हर मस्जिदो मेहराब अंदर नबी पाक दे तराने गाए जा रहे ने मैं भी मोहब्बत पेश कर रहा हां किड्डा सोना ओ किड्डा सोना नाम मुहम्मद दा इस नाम दियां रीसां कौन करे इस नाम दियां रीसां कौन करे किड्डा सोना हां किड्डा सोना नाम मुहम्मद दा इस नाम दियां रीसां कौन करे ए आज़ाज़ हलीमा दाई दा ए आज़ाज़ हलीमा दाई दा ओ जिन्नू मिलिया महबूब खुदाई दा अल्लाह अल्लाह ए साज हलीमा दाई दा ओ जिन्नू मिलिया महबूब खुदाई दा ओ जिंदी गोदी विच वाली कौसर दा इस नां दी आरी सा
कौन करे। अल्लाह अकबर, तवज्जो करना। सरदार अपने पुत्र ने कहा मैं अपने पुत्र का नाम अनोखा तां रखिया है कि रब ने मेनू अनोखा ही पुत्र अता किया है। अल्लाह अकबर। ला मक्के वाले कहंदे ने सरदार अब्दुल मुतलब जी उस बच्चे नू ते लेके आना जिस बच्चे दा नाम बड़ा अनोखा रखिया जना बड़िया तारीफा करदे पए अपने पुत्रे दियां अपने बेटे नू लै करके आना। सरदार अब्दुल मुतलब ने चुकिया मक्के दे चौधरियों दे सामने पेश कीता। आला जिहड़ियां गल्लां करदे सन जिहड़ियां बातां कर रहे सन जद नबी पाक दियां ज़ियारतां करदे रहे ने ते नाले चुप हुंदे जा रहे। अल्लाह अकबर। जा हुस्ने आका दे कीते नजारे जा हुस्ने सोन दे कीते नजारे कोई गल ना कीती ते चुप हो गए सारे। अल्लाह 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 तवज्जो करना दरा। नबी पाक तशरीफ लैन करके आए ना आपका बाप दुनिया फानी छड़ के पहले टुर गया आप यतीम पैदा है ना मां आमना मौजूद है अपने बेटे प्यार कर दिया पिया मुहब्बत कर दिया पिया ने उस इलाके का रवाज सी ना अज ते रवाज नहीं उस इलाके का रवाज सी ना जिस घर बच्चा पैदा हो जाता उस शहर तो बच्चे नू लैके जांदी बाहर खुले लाके दे अंदर बच्चे दिया परवरिश कर दिया बच्चे का ध्यान कर दिया शहरां दे अंदर बच्चा ना रखिया कर दिया पता चलिया बाहर लोग आए ने ते औरतां आईयां ने अंज करके बच्चे लभ दिया फिर दिया शहरां दे अंदर कोई बच्चा लभ जाए हर दाई दी तमन्ना हर औरत दी तमन्ना है कोई अच्छा बच्चा मिल जाए कोई अमीर घराने दा बच्चा मिल जाए जाके उन्हें मैं परवरिश करा मैं पैसे ज्यादा लब जान मेरी खिदमत ज्यादा हो जाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह हर अरब की तमन्ना है ना। अल्लाह अल्लाह औरतां आईया कुछ चलिया गईया तिकारत आईये जिंदा नाम हलीमा है जिंदा नाम दाई हलीमा आके आई है ना आमना पुछ दिया ने नी आमना कोई बच्चा मौजूद है के कोई ना आमना कहते हां हलीमा बच्चा ते मौजूद है लेकिन एक गल मौजूद है जेड़ा बच्चा रब ने मैनू अता कीता उंदा बाप कोई नहीं हैगा उंदा बाप जिंदा कोई नहीं। अल्लाह अकबर। वो औरतां नू एक हुंदी सी ना बाप जिंदा होवे ते बाप ज्यादा खुशियां करदा है खुशियां दे अंदर साडी खिदमत ज्यादा करेगा ना पता चलिया बाप कोई नहीं। अल्लाह अकबर। हलीमा मुन लगियां ना आंदियां ने आमना हलीमा किधर जा हलीमा कहंदिया ने आमना मैं अपने खामद नाल मशवरा कर लवा इस बच्चे नू ले जाना है कि नहीं ले जाना मैं अपने खामद नाल तज़करा कर लवा खामद नू पुछिया गया ना सामन कहंदा नहीं हलीमा और बच्चा कोई नहीं लभदा पिया इस यतीम नू उठा ले हो सकदा इस यतीम दी वजह करके रब रहमत कर छड़े। अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा सादिया ने नबी पा नू गोद अंदर ले आना उठा लिया दाची दे अल्फाज आंदे ने ते गदी दे भी अल्फाज आंदे ने। अल्लाह अकबर। ला अपनी गदी ते सवार कीता ना हलीमा बेचारी गरीब घराने दी औरत सी गरीब दाची भी कमजोर गदी भी कमजोर आ भी कमजोर कहंदियां ने जद नबी पाक नू ना मैं अपनी गदी ते सवार कीता ना नबी पाक दी बरकत नाल गदी जवान हो गई जेरी गदी सवारी चल नहीं सकती सी ओ दौड़ना शुरू हो गई। अल्लाह अकबर। अल्लाह नबी पाक दे आन नाल बहार आईयां गईयां। अल्लाह ला 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 हलीमा कहंदियां ने जदों नबी पाक नू मैं अपने सीने नाल लाया अल्लाह ने मेरा छाती दुध दुध कर छड़ी ना जो सवारी ते बैठाया नबी पाक की बरकत दी वजह करके ना ओ सवारी जवान हो गई ओ दौड़ना शुरू कर दिती ना मैं हैरान हो गई हां मैं हैरान हो गई हां अज मामला
अजीब ही बंदा जाता है, अज ते बहार ही आंदियां जांदियां ने। मैं भला की आख्या करना, ए कौन आया जिंदे आया बहारा मुस्कुरा पईया। अल्लाह अकबर, तुसी शेरां च पैसे देंदे जे शेरां च, मैं शेर पढ़ा ते पैसे कोई 100 रुपया कट के भेज दिंदा है, शेर ना पढ़ा ते कोई नहीं देंदे। चलो कोई गल नहीं, ये तुहाडी मुहब्बत ते तुहाडा प्यार है। मैं शेर तुहानू आखरी शेर सुना लग्या, और शेर नहीं सुनाना। अल्लाह ला ला ला, ए कौन आया जिंदे आया बहारा मुस्कुरा पईया। ए कौन आया जिंदे आया बहारा मुस्कुरा पईया। खिले फुल कलियां हजारा मुस्कुरा पईया। नबी पाक दे आम तो पहले तरीकियां तरीकियां सन, लोग गुनामे च डुबे सन, नबी पाक दी आम दी वजह करके अल्लाह ताला ने लोगां नूं गुनामां तों ही बचाया, लोगां नूं अल्लाह दे हक नबी पाक ने दस्या, और अपने हकूक नबी पाक ने अपनी रसालत दा ऐलान कीता। इंशाल्लाह फिर कदे मौका मिलिया ना, इंशाल्लाह इस तो अगे बात चलावांगे, क्योंकि टाइम मुक चलिया। अल्लाह की दुआ है जो मैं बयान कीता अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। वा आखुदा बना अनिल हमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।